que você comprou? क्या नाम था आपके लड़के का? विष्णु शाह। विष्णु शाह? विष्णु प्रसाद शाह। अच्छा, ये जो सब बरामद हुई है कितने दिनों के बाद? ये लड़का आपके घर से आज 12 दिन हो गया सर, बुधवार के दिन में निकला है सर। अच्छा, किन के साथ में निकला था वो? और क्या चीज से निकला था? रोहित के पास मोटरसाइकिल। रोहित कौन है? रोहित जो घटना हुआ उसी बच्चा के साथ में। गाँव का ही था? गाँव से थोड़ा हट का, एक घर हट का। सुनने में आ रहा है कि कुछ फिरौती मांगा जा रहा था। हाँ सर, 50 लाख रुपया मांग रहे थे, 20 लाख में डील हुआ। हम पैसा उठा कर पूरा रेडी रखे थे, मलंगवा में आओ। मैं बोला ठीक है, मलंगवा में आ जाएगा, अगर पुलिस का खबर कीजिएगा तो बच्चा को मार देंगे। बोला साहब ऐसे नहीं करो, हमारा रिकॉर्डिंग भी है, सब है ना, उसका पास जो लड़का मारा है वो बोल रहे थे मलंगवा भीतर जहाँ बोलेगा जहाँ, नहीं तो आप भी पुलिस का खबर कीजिएगा तो आपको भी मार देंगे, ऐसे बोल रहे थे। थोड़ा देर बात कर हमसे कट का, उसका मम्मी से बतियाना, हमारा बीवी से बतियाने लगा। अच्छा। बीवी के पास थोड़ा काट कर फिर भतीजा में बात करने लगा। लास्ट हो गया, 9 दिन हो गया, तो मैं बोला हम अपना ही बतियाता, जो होगा होगा, क्या करेगा, आप जान पर पड़ गया था। उससे बात किया, ठीक है आप बात कर रहा है इतना अच्छा, कहा ऐसा भेजा है, कहा इतना टेबलेट का सर घुमा रहा है, ऐसे वैसे बहुत रंग की बात। मैं बोला बार बार रोहित कहाँ है, रोहित कहाँ है, रोहित नहीं है, मैं सुरसंड से पकड़ा है वो लड़का का, विष्णु का पल्सर बाइक है 150 cc का, उसी के साथ में पकड़ा है। मैं वही भी है रोहित के पास में, रोहित का तो मार दिया था। हाँ, 12 कक्षा का बरकरे पढ़ाई करके पूरा नौकरी वोकरी के लिए। अच्छा, इंटर कर लिया है। हाँ। अच्छा, मैं ये जो है किस तारीख को गायब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको 11 तारीख से गायब, 11 जनवरी को। हाँ, 11 जनवरी को दोनों। अच्छा, ये जब निकला था रोहित, क्या बोल के निकला घर से दोस्त के साथ? रोहित तकरीबन 3 से 4 बजे के तकरीबन में रोहित के घर पर ही विष्णु जो है मोटरसाइकिल लेकर के पहुंचे हुए थे, और नॉर्मल तरीके से चल दोसा बुझी कहकर उनको बोला गया और साथ में बैठाया मोटरसाइकिल पे। नेपाल के जनकपुर के रहने वाले, धनुषा जिला के जनकपुर के रहने वाले दो नागरिक वहाँ से मिसिंग है। 11 तारीख के शाम में वो लोग घर से निकले थे, उसके बाद से मिसिंग है। तो उन लोग के द्वारा कुछ MFSI उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया था नेपाल पुलिस द्वारा, तो उनके द्वारा अमृत छानबीन में पाया गया था कि उन लोगों को शायद इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया साइड लाया गया है। तो इस सूचना के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस द्वारा उनको सहयोग करने के लिहाज से उसमें छानबीन किया गया। छानबीन के क्रम में जो एक हम लोग को सस्पेक्ट है उसमें पता चला कि कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जो कि इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं, उन लोग को अप्रिहेंड किया गया। तो अप्रिहेंड करने के बाद पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा मामले का काफ़ी हद तक खुलासा कर दिया गया है, जिसमें कि कुल 4 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट हुए हैं। उन लोगों ने मामले में संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। उनका मुख्य रूप से प्लान यह था कि एक नेपाली व्यक्ति के माध्यम से दोनों जो 19 और 22 साल एज के व्यक्ति हैं नेपाली सिटीजन, उनको ये लोग प्रलोभन दे करके यहाँ बॉर्डर पे बुलाए थे, और बॉर्डर पे उन दोनों व्यक्तियों को इन लोग के द्वारा मिलकर ये किडनैप कर लिया गया। उसमें से एक व्यक्ति को ये लोग छुपाने में उस समय सक्षम नहीं हो पाए, उसके द्वारा हल्ला किया जा रहा था, तो उसी समय इन लोग के द्वारा हत्या कर दी गई। और दूसरे व्यक्ति को भी आगे 3-4 दिन बाद पुनः इन लोगों को लगा कि ये लोग उसको ठीक से छुपा नहीं पाएंगे, तो पुनः उसकी भी हत्या इन लोग के द्वारा कर दी गई थी। करके बेला थाना अंतर्गत पैसा गांव है, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के जमीन में जमीन खोद करके इन लोग के द्वारा दोनों बॉडी को वहाँ पे दफना दिया गया था। जो मोटिव इसमें पता चला है अभी तक, मोटिव इसमें मुख्य रूप से इनका इन लोग का उद्देश्य था कि उनके परिवार वालों से कुछ एंसम की मनी ये लोग वसूल सकें, लेकिन परिवार वालों को ये लोग एक दो बार कॉल भी किए थे, लेकिन कॉल में जब लड़कों से इन लोग के द्वारा बात नहीं करवाया गया तो परिवार वालों को भी शंका हो गई थी। और उसके बाद नेपाली पुलिस द्वारा सीतामढ़ी पुलिस से संपर्क किया गया था, जिसमें कि सीतामढ़ी पुलिस द्वारा तुरंत 48 घंटे के अंदर इसमें कार्रवाई करते हुए जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया। चार क्रिमिनल भी इसमें पकड़े गए हैं, 3-4 व्यक्तियों के अंदर शामिल होने की बात भी इसमें सामने आई है, जिसके लिए गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।